वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई रमेश खोतन जी, उपस्थित मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से भाई साहब जब लड़ाई बड़ी हो तो गंभीर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। निश्चित रूप से एक विकट परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति आज समाज के सामने खड़ी हो गई है और ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब देश 21वीं सदी में हो और आजादी के 70 साल के बाद भी अगर समाज में ऐसे लोगों की मानसिकता हो तो देश कैसे 21वीं सदी में रहेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। ये विषय केवल यूजीसी के एक पत्र का नहीं, केवल विश्वविद्यालय का विषय नहीं, कहीं न कहीं समाज में कैसी परिस्थिति है, समाज सोच क्या रहा है, समाज के लोगों का चिंतन क्या है, उसको कहीं न कहीं प्रचलित करता है। इसलिए केवल लड़ाई एक विषय की नहीं है, ये लड़ाई हुई और हम जीत गए, विषय खत्म हो गया। मैं इस लड़ाई को यह नहीं मानता, समय समय पर इस तरह का संकट आना, इस तरह का विषय आना, ये समाज के अंदर क्या चल रहा है, समाज के लोगों के चिंतन का दिशा और दशा क्या है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करने का काम करता है। एक सांसद के नाते या सरकार के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है वो तो मैं करूंगा, और पहले भी रमेश भलवालिया जी, रामचंद्र भलवालिया जी मेरे पास आए थे तो उस विषय को मैंने गंभीरता से लिया और इस विषय को लेके इस देश के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी से और सदन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के सांसद हैं, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनसे चर्चा किया गया और इस विषय को माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखा गया और पीएमओ को भी पत्र लिखा गया कि पीएमओ को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की लड़ाई हो, चाहे प्रोफेसर टीचिंग का और नॉन टीचिंग का विषय हो, मैं उसको लगातार उठाता रहा हूं। अभी पार्लियामेंट में बजट भाषण में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विषय भी उठाया, इसमें कितने लोगों ने उसको सुना मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों को जाके मेरे फेसबुक पे देखना चाहिए। मैंने वहां तीन बातें कही, अठारह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय था वो, यानी का विद्यालय था, और 1920 में इस देश के पार्लियामेंट एक्ट से उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। जब तक इस देश में 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में आरक्षण लागू नहीं था, तब तक किसी विश्वविद्यालय ने आरक्षण नहीं दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू होता है तो देश के सभी विश्वविद्यालय और देश के सभी संस्थानों ने आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज 2017 हो गया, 18 हो गया, आजादी के 70 साल के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो देश के पैसे से चलता है, पार्लियामेंट के अर्थ से चलता है,
इस देश के टैक्स पेयर से चलता है, वहां पे आरक्षण लागू नहीं, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, 70 साल में आप कल्पना करिए, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में आरक्षण दिया होता तो देश के कितने अनुसूचित समाज के लोगों का भला हुआ होता, ये चिंतन का विषय है। और ये आपके लिए भी एक प्रश्न है, आपके लिए भी एक सवाल है कि आखिर क्या कारण है देश के अनुसूचित समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, देश का लेक्चरर, देश का प्रोफेसर, देश का बुद्धिजीवी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विषय को आज तक क्यों नहीं उठाया? क्या केवल अपने ऊपर आएंगे तब उठाएंगे क्या? आज आपके ऊपर यह सवाल आया है तो देश भर में आप धरने पर है। अगर आपने उस आरक्षण की जो बाबा साहब ने हमको दिया था, जैसा रमेश सत्य जी ने कहा कि आरक्षण भीख नहीं है, इस देश में सदियों से चली आई असमानता को दूर करने का विषय था। बाबा साहब ने बहुत लोग जानते कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, बाबा साहब आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब का साफ कहना था कि आरक्षण लागू होने से इस देश में आने वाले समय में राष्ट्रीयता का अभाव होगा, इस देश के समाज में, इस समाज में व्यवस्था फैली। अगर इस देश की बुनियाद को आप ठीक करना चाहते हैं, इस देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस देश में सामाजिक सद्भाव को लागू करना चाहते हैं, तो आपको इस देश में एक समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। और उस समय लोगों ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना और एक शर्त रखी कि हम आरक्षण देंगे। और आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो 10 साल तक के लिए थी। ये 10 साल का समय क्यों रखा गया? इस 10 साल का समय ये रखा गया कि आने वाली सरकारें अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आरक्षण को लागू करेंगी तो इस देश में जो असमानता है वो समाप्त हो जाएगी। एक मिनट उसको बोलने दीजिए, अगर आप उसको बुलाए हैं उसको बोलने दीजिए, मेरी आवाज आप नहीं दबा नहीं, आप मेरी बात अगर आप मेरी बात नहीं बोलने देना चाहते तो मैं बैठ सकता हूँ। हमको पूरी हम सारी बातें बोलेंगे फिर मैं बैठ जाता हूँ। इशू पे बोलिए। हम केवल आपके विषय के लिए नहीं आए हैं, तो नहीं सुनेंगे। हम पूरे अनुसूचित समाज के लिए देश में क्या चल रहा है, क्या हुआ, हम बोलेंगे। आप बीएचयू के बारे में बोलिए, सर केवल अलीगढ़ के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बीएचयू आप बीएचयू के बारे में बोलिए, बीएचयू के बारे में बोलिए। हमारा सीधा सा कहना है, अगर ये समाज जागता रहता हम किसी विषय पर अगर बोलते तो उसका विषय का मतलब है, हम इस विषय को बोलने के पीछे मतलब है, उद्देश्य है। यदि समाज के लोग जागरूक रहते, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने हक और हुकूक के लिए, अपनी आरक्षण व्यवस्था के लिए जो हमको मिला था, जो मिला है, अगर इस पे हम जागरूक होके लगातार संघर्ष करते रहते तो ऐसी परिस्थिति आज पैदा ना हो। हमारा
सवाल आपसे भी है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप मैंने क्या कहा? एक मिनट रुक जाइए, आपको बोलने दीजिए। मैं आज सोच के जाऊंगा, मैं सोच के जाऊंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी बात रखें तो शांतिपूर्वक रखें। एक चीज सुनिए भाई, सुनिए सागर जी, सागर जी, सागर जी, हमारे सांसद है, हमारे समाज के व्यक्ति है, सुनिए। यदि वो कोई बात बोल रहा है आपका उसका विरोध हो सकता है, उसके बाद वो प्रतिक्रिया दीजिए। वो सुनिए, एक बार सुनिए मेरी बात। मैं ऐसे नहीं उठा, बोल रहा हूँ उसको समझिए। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बोल रहा हमारे सांसद है, उसको बोलने दीजिए, पहले सुनिए उसको। आप बोलने के बाद सवाल पूछिए। देखिए, ये सबसे बड़ी विनम्रता है। अनुसूचित जाति की नाक छोटी है, नाक छोटी है। अरे हमको अपनी सोच पर सुन तो लो, तस्वीर करिएगा। जब मैंने कहा कि हम वहां भी चिंता करके आए हैं, विषय रख के आए हैं, रखेंगे, लेकिन बात तो पूरा सुन लीजिएगा। हमारे बीच में लोग बोलने लगा तो बिल बुरा सुन लीजिएगा। हम आपके विषय में पहले बोल चुके हैं, इस विषय को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा हो गई है। हम लोग इस विषय को, पहले आप अपने विषय में सुन लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप अपने विषय में सुन लीजिए। आप सबसे ये गुजारिश है, पेरेंट्स का बोलने का सम्मान जवान है, पार्लियामेंट में सभी सांसद इसको लेके चिंतित हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इसको लेके प्रकाश जावड़ेकर से मिल चुके हैं। इसके संबंध में पीएमओ को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिला गया है। लेकिन विषय अगर आप यहाँ तक सीमित करेंगे तो आज ये संकट केवल शिक्षा जगत पर आया है, आने वाले समय में अन्य विभागों में भी ये संकट आएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने मित्रों, मित्रों, एक मैंने जी एक देखो मित्रों, मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूँ। जैसे ही 13 पॉइंट का विषय जब यूजीसी ने जारी किया, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने बताया यूजीसी और एमएचआर ने 13 पॉइंट फरमान जारी किया, हमारे नेता विनोद सोनकर जी से मैंने चर्चा की, उन्होंने तुरंत कहा आप घर आए, मैं इस विषय में पूरी जानकारी लेना चाहता हूँ। भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, एक प्लीज, आप प्लीज। तो मैंने उनसे निवेदन किया, शांत रहो आप, और प्लीज सागर साहब आपसे मैं चाह रहा हूँ, और मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सड़क पर है, आप हमारी बात को सुने, और हमारी बात को सुनने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, हम उनकी बात को सुने, और ये हमारी लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं, मेरे पास जान दो इस बात को।
हम बोलते ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बुद्धिजीवी भी अगर केवल अपने हित तक अपने बिंदु तक सीमित रहेगा तो ये समाज और देश कहाँ जाएगा, ये चिंतन का विषय। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय कल भी आया है, वो भी कितना ज्यादा विचलित कर देने वाला है, कितना समाज को नुकसान कर देने वाला है। जो लोग मेरे विषय मुझसे हर आदमी के विचार में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन विरोध करने का ये तरीका नहीं है। भाई साहब अब एक मिनट बोल दीजिए, मैं बोल दूँ उसके बाद सवाल कर लीजिए। बजट सत्र में मेरे द्वारा ये सवाल उठाया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण क्यों नहीं, जो देश में 5 लाख है उसकी भर्ती क्यों नहीं, देश में जो 50% जो आप कह रहे हैं कि सभी विश्वविद्यालय में आरक्षण का पालन नहीं हुआ, ये क्यों नहीं है। मैं पार्लियामेंट में बोला और पार्लियामेंट में मैंने मांग भी किया और उसको लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको सुना और उस पर अपनी कमेंट भी दिया। जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, मैं लड़ाई में आपके साथ ना होता तो मैं इस मंच पे नहीं आता। एक विषय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस विषय को आयोग में ले जाने वाला अगर देश का कोई सांसद है तो वो विनोद सोनकर है, और आयोग में मेरी एप्लीकेशन पड़ी है, उसी के आधार पर इलाहाबाद में ये नियुक्तियां रोकी गई। मैं तो ये सोच के आया था कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बुद्धिजीवियों का समूह है, मैं इनको समाज के विषय में इनसे चर्चा करना चाहता हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आपका जागना जरूरी है, आपकी लड़ाई केवल आप तक सीमित रही है, समाज को फायदा नहीं करने वाली, आपकी लड़ाई समाज के साथ साथ समाज के लिए भी आपको लड़ना चाहिए। जब तक आप समाज के लिए नहीं लड़ेंगे, इस तरह की स्थिति आज पैदा हुई, कल पैदा हुई, आने वाले समय में भी पैदा होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आने वाली समस्याओं को रोकना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति हर जगह न उत्पन्न हो, तो समाज में जो आपने आज एकता दिखाई है, जो आपने संघर्ष का नारा दिया है और आप एकत्रित होकर समाज और सरकार को चुनौती देने का काम किया है, ये लगातार केवल यहाँ तक न रहे, आगे भी ये जारी रहना चाहिए, ये मेरा विषय है। अगर केवल समाज के बुद्धिजीवी वर्ग केवल अपने लाभ के लिए या अपने लाभ तक ही सीमित रहेगा तो उस समाज का नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सवाल मेरे ऊपर उठता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करता है, सबकी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, हम सबकी अपनी सामाजिक चुनौती है, पार्टी की प्रतिबद्धता है, लेकिन एक दौरे से आप सबको नहीं बांध सकते। आप पार्लियामेंट में यूट्यूब में मेरा बयान देख लीजिए कि पार्लियामेंट में जब भी सवाल आया है मैं समाज के लिए बोला हूँ, आगे भी बोलूंगा, और आज आपकी लड़ाई में मैं केवल इसलिए आया हूँ कि आपकी लड़ाई आपके पक्ष में हो और आप इस लड़ाई को केवल यही न रोके, समाज के अन्य बिंदुओं पे, अन्य विषयों पे, अन्य विद्यालय में, अन्य विभागों में तक आप इस लड़ाई लड़ने के लिए भी समय दे। इतनी आग्रह करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।